आयत, त्रिभुज और वृत्त, इन सभी आकृतियों से आप सब परिचित हैं। ये सभी आकृतियां हमेशा से ही अपनी कार्य पुस्तिका में, अपनी कॉपी में बनाते आए हैं। इन आकृतियों को समतल आकृति कहा जाता है। वो सभी आकृतियां जो कॉपी पर या बोर्ड पर बनाई जा सकती हैं, जिन्हें बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत हो, या तो लंबाई चौड़ाई या फिर उसके लिए हमारी त्रिज्या की आवश्यकता है, तब हम उन्हें समतल आकृतियां कहते हैं। वो आकृतियां जिनके अंदर कोई ऊंचाई शामिल नहीं है, इनकी कोई मोटाई शामिल नहीं है, उन आकृतियों को समतल आकृतियां कहा जाता है। परिभाषा के बारे में देखते हैं। समतल आकृतियां वे आकृतियां जिन्हें बोर्ड या कॉपी पर खींचा जा सकता है, वे समतल आकृतियां कहलाती हैं। क्या होगा अगर इन आकृतियों में मोटाई भी शामिल हो जाए, यानी कि इनकी कुछ जमीन पे अगर इन्हें रखा जाए तो वहां से कुछ ऊंचाई भी इनकी दिखाई दे, फिर ये आकृतियां कैसी होंगी? बिल्कुल सही समझा, फिर ये ठोस आकृतियां बन जाएंगी। जैसे कि हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आसपास दिखाई देती हैं, जो आपका बुक है, जो आपकी गणित की किताब है, आपकी जो गणित की किताब है उस पर ध्यान दीजिए, क्या वो कुछ कुछ पहली आकृति जैसी दिखाई नहीं देती है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो आपकी गणित की बुक है वो भी एक तरह का घनाभ है। जो आमतौर पर चौक के डिब्बे आपकी क्लास में मिलते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है? देखने में उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक बराबर सी ही लगती है, वो आकृति घन की आकृति है। इसी तरह से जो चौक हम लेकर रखते हैं वो नीचे से ऊपर तक गोलाई के अंदर दिखाई देता है, लेकिन उसमें एक ऊंचाई है, ऐसी आकृतियों को बेलन कहा जाता है। एक ही आकार और एक ही माप की समतल आकृतियों से ठोस आकृतियां बनती हैं। आप अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी ही आकृतियों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे अगर आपके पास 5 रुपए के सिक्के हों, उन सिक्कों को एक के ऊपर एक रखने से हमें जो आकृति प्राप्त होगी वो कैसी होगी? हाँ, वो बेलन की आकृति होगी। इसी तरह से यदि हम किसी कॉपी के पेज लेकर के, जो एक ही आकार के हैं, उनको एक के ऊपर एक रखते चले जाएं, फिर जो हमें आकृति मिलेगी वो कैसी होगी? वो घनाभ की आकृति होगी। ये जो आकृति है इसे आप पहचान सकते हैं? सही पहचाना, ये एक वर्ग की आकृति है। अब ये आकृति किस तरह की बन गई है? अब ये एक आयत की आकृति है। ये जो आकृति है ये एक त्रिभुज की आकृति है। इन आकृतियों में कोई मोटाई या ऊंचाई नजर नहीं आती, इसलिए इन्हें बोर्ड पर या कॉपी पर आसानी से खींचा जा सकता है। ऐसी सभी आकृतियां क्या कहलाती हैं? ये सभी समतल आकृतियां कहलाती हैं, क्योंकि इनमें कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं है। क्या होगा अगर हम बहुत सारी समतल आकृतियों को एक के ऊपर एक रख दें? हमने बहुत सारी समतल आकृतियां एक के ऊपर एक रख दी है, इससे क्या हुआ है? इससे इसकी ऊंचाई मिल गई है, अब इसके अंदर मोटाई शामिल है जो कि पहले नहीं थी। अब ये आकृति कैसी बन गई? ठोस आकृति बन गई।
इसी तरह से हम और उदाहरण ले सकते हैं। जो आपको दिखाई दे रही है ये भी कैसी आकृति हो गई, ये भी एक घन की ठोस आकृति है। इसी श्रृंखला में देखते हुए इसे पहचानिए, ये कौन सी आकृति बन गई, ये घन की आकृति है जिसके अंदर वृत्ताकार चीजों को एक के ऊपर एक रखा गया है। जब इसके अंदर ऊंचाई शामिल हो गई तब ये आकृतियां क्या कहलाएंगी, ठोस आकृतियां कहलाएंगी। ये देखिए, ये एक पुस्तक है, पुस्तक के अंदर क्या होता है, पृष्ठ होते हैं। इसी तरह से इसमें भी पृष्ठ हैं। हम जो एक नई चीज आज सीखेंगे वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ यानी पेज, पेज ने जो जगह ली वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब हमारी ये आकृति ठोस है, हम इसे एक बंद आकृति मान लें, तो इसमें कितने हमें पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इसे खोलना नहीं है। जब ये बंद है उस वक्त हम इसमें कितने पृष्ठ मान सकते हैं, तो इसके अंदर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एक पृष्ठ है। इसी तरह से ये जो आगे की तरफ दिखाई दे रहा है ये भी एक पृष्ठ है। हम इसे ठोस आकृति मान रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही पृष्ठ माना जाएगा। इसी तरह से इस तरफ भी ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ये भी एक पृष्ठ है। इसी तरह जो पीछे की तरफ है वो भी एक पृष्ठ है, दूसरी तरफ भी एक पृष्ठ है। तो टोटल हमें कितने पृष्ठ इसमें नजर आते हैं, एक पृष्ठ ऊपर है, ठीक वैसा ही एक पृष्ठ नीचे है, एक पृष्ठ आगे है और ठीक वैसा ही एक पृष्ठ पीछे है। इसी तरह से लेफ्ट और राइट साइड में भी पृष्ठ हैं, तो कुल मिलाकर इसमें 6 पृष्ठ होंगे। इसके बीच में जितनी ये जगह घेरी गई है ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल ले लिया जाए तो उसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी जो भी आकृति आपने ली उसके हर तरफ से हर एक सतह को शामिल कर लिया जाए जो कि एक आयत है। अब इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी आयत के आकार का है, आगे वाला पृष्ठ जो बनेगा वो भी एक आयत के आकार का है, दोनों तरफ ये भी आयत के आकार के पृष्ठ हैं। इसी तरह से जो आगे और पीछे हैं वो भी आयत के आकार के हैं। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हम उसके लिए आयताकार फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी किसी भी आकृति में जितने भी पृष्ठ हैं उन सभी का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए। इसी तरह से एक और शब्द है जो हमारा चलता है, वो क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि पूरा ना लेकर के कुछ हिस्सों का, जिसमें हम चार दीवारी लेते हैं, जैसे इस आकृति में एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक आगे है और एक पीछे है। इन चारों पृष्ठों को, इस चार दीवारी के क्षेत्रफल को अगर ले लिया जाए तो हमें जो मिलेगा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है।